कहानी उधर से शुरू होती है। 86-87 में हमने रिलीज किया था दिल दिल पाकिस्तान। ओके। रुहेल, शाही, जुनेद, हम सब आपस में दोस्त थे। अच्छा, आइडिया बिल्कुल नहीं था कि ये गाना जो था मतलब इतना बड़ा बन सकेगा या नहीं। पाकिस्तान में हम लोग सबसे पहले बैंड थे और सबसे पहले आर्टिस्ट थे जिनको एक मल्टीनेशनल ने स्पॉन्सरशिप दी, जो बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, क्या आपके लिए कभी किसी ने कोई ऐसा काम किया हो कि आप सोचते हो कि इसका एहसान मैं कभी नहीं उतार सकता? आप लोग हैं, मेरे फैंस हैं, मैं कभी भी एहसान आप लोगों का नहीं उतार सकूंगा मरते दम तक। ऐसा नहीं है बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डी टीवी एनएन और मैं हूं रुमैसा कुरैशी। प्रोग्राम गॉसिप्स विद रुमैसा में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे में ज़िंदगी को एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। जब तक आप कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, कुछ नए लम्हात में अपने आप को एडजस्ट नहीं करते हैं, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में है, तो ज़िंदगी में ना ऐसे वाक़यात और एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपको करते रहना चाहिए। एज़ यू नो के प्रोग्राम गॉसिप्स विद रुमैसा में हम आपके लिए लेकर आते हैं ज़बरदस्त गेस्ट, हमारे ज़बरदस्त मेहमानान होते हैं और हम जानते हैं उनकी शख्सियत के बारे में, वो इस फील्ड में कैसे आए, उन्होंने क्या किया, वो है कौन। तो आज का प्रोग्राम भी बहुत ही आप सबका फेवरेट होने वाला है, क्योंकि आज एक ऐसी शख्सियत बैठी है कि मैं अगर उनका तारुफ आपको बताऊं तो आई थिंक कि प्रोग्राम का 1-1.5 घंटा जो है उनके तारुफ में लग जाएगा, उनके उन्होंने जो काम किए हैं उन्हीं में ही वक्त हो जाएगा। तो जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, एक ऐसे मेहमान हैं कि जब वो गाते हैं तो हर बंदे का जो है ना दिल करता है धक धक, लय सुर और तान से भी उनसे मुतासिर हैं, क्योंकि वो हैं हमारे साथ जो मौजूद मेहमान, उनका नाम है रिजवानुल हक। तो हमें रिजवानुल हक साहब को खुश आमदीद कहते हैं और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत से ऐसे राज जो कि आप भी जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम रुमैसा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे आज अपने शो पे इनवाइट किया, माशाल्लाह, एंड यू आर लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम सर। पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया, इतने बिजी स्केड्यूल में से आपने टाइम निकाला। इट्स एन ऑनर। सर मुझे बताएं, आपका अरूज था, लेकिन सफ़र जो है वो आपका किस तरह शुरू हुआ? अरूज आपका स्टार्ट हुआ वाइटल साइंस से। वाइटल साइंस से की जो कहानी है ना, मैं वहाँ से जानना चाहूँगी। रुमैसा, वाइटल साइंस की कहानी तो अगर मैं आपको बताऊँ इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं उसको जितना ब्रीफ कर सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये वो ज़माना है जब मेरे ख्याल आप पैदा शायद हुई थी या नहीं हुई होंगी उस वक्त। 90s, तो 86-87 में हमने रिलीज किया था दिल दिल पाकिस्तान। ओके। और उस वक्त वाइल्ड साइंस में मैं नहीं था, मैं उस वक्त बाहर होता था, लेकिन रुहेल, शाही, जुनेद, हम सब आपस में दोस्त थे। और मुझे याद है कि रुहेल और मेरा रابطہ रहता था, मैं इंग्लैंड में होता था, मैं पढ़ने गया हुआ था। उसने कहा यार रिजवान, हम लोगों ने एक गाना बनाया और ये हम रिलीज करने लगे ना पाकिस्तान पे। अच्छा, आइडिया बिल्कुल नहीं था कि ये गाना जो था ये इस मतलब इतना बड़ा बन सकेगा या नहीं। एंड इवेंचुअली इसको हमने रिलीज़ किया, इन्होंने रिलीज़ किया 86 में, पीटीवी से रिलीज़ किया, पाकिस्तान टेलीविजन से। उस वो एक दो चैनल्स होते थे सिर्फ। और वो ज़माना आई रिमेंबर, उसमें उस ज़माने में म्यूज़िक एज सच इतना पाकिस्तान में म्यूज़िक का वो इतना वो नहीं था, वो क्रेज नहीं था, इन द सेंस के जो चैनल्स वगैरह थे वो इतने आर्टिस्ट को नहीं स्पॉन्सर नहीं करते थे, नहीं कर रहे थे। हाँ, अच्छा, सोलो आर्टिस्ट थे, नाजिया जुहेब ये लोग थे सारे, मोहम्मद अली शेखी, आलमगीर वगैरह, लेकिन बैंड कॉन्सेप्ट नहीं था। यानी कि चार लड़के वाइटल साइंस के, तो चार लड़के थे, जुनेद, शाही, रुहेल और नुसरत थे उस वक्त, नुसरत हुसैन। सडनली चार लड़के आते हैं और पीटीवी इस्लामाबाद से आते हैं, और एक शुएब मंसूर साहब जो डायरेक्टर हैं वो एक वीडियो डायरेक्ट करते हैं दिल दिल पाकिस्तान के नाम से, गाने का नाम दिल दिल पाकिस्तान, एंड सडनली वो ओवरनाइट एक हिट गाना बन जाता है। ओके। तो वो कहानी उधर से शुरू होती है एक्चुअली। ओके। के दिल दिल पाकिस्तान एक बहुत बड़ा गाना बन जाता है। बन जाता है। ओके। उसके बाद ये 86, 87, 87, 88 में रिलीज हुआ।
उसके बाद फिर इन्होंने जब एक सिंगल रिलीज किया दिल दिल पाकिस्तान को, फिर इन्होंने सोचा कि क्योंकि अब इतना एक मतलब नाम बन चुका है वाइटल साइंस का, क्यों ना हम एक एल्बम रिलीज करें. ओके. तो उस जमाने में जिस तरह आजकल के जमाने में एल्बम्स का, सॉरी एल्बम्स का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, आजकल सिंगल्स का कॉन्सेप्ट ज्यादा कि एक गाना आप रिलीज करते हैं वो हिट हो जाए, नहीं होता, बट सिंगल्स का कॉन्सेप्ट है. उस जमाने में 8 से 10 गाने एल्बम रिलीज करना बहुत लाजमी था. अच्छा. वो एक 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 कंपल्सरी चीज थी. ओके. तो इन्होंने एक एल्बम रिलीज की वाइटल साइंस वॉल्यूम 1 के नाम से. ओके, वॉल्यूम 1. हाँ, उसमें दिल दिल पाकिस्तान को ऑब्वियसली शामिल किया और दैट एल्बम वाज अ हिट. ऑलराइट. उसके बाद फिर 90s में मैं वापस आ गया. mm-hmm. और मैंने रिप्लेस किया सलमान अहमद को जो गिटारिस्ट थे वाइटल साइंस वॉल्यूम 1 में. और मैं क्योंकि आई एम अ गिटार प्लेयर ऑल्सो, उस वक्त थोड़े से कोई मसले मसाइल बने हुए थे वाइटल साइंस में एंड सलमान वो बन नहीं रही थी इतनी. अच्छा. तो जिस तरह बैंच में होता है, जवानी बच्चे थे हम लोग सारे. तो मुझे मौका मिल गया. अच्छा अच्छा सलमान ने जब छोड़ा तो रोहिल ने मुझे फोन किया, उसने कहा यार. अच्छा, इधर ही मैं पॉज करूंगी, इस स्टोरी को पॉज करते हैं और ये बताएं कि आपका स्टार्टअप कैसे था, आपने किस तरह स्टार्ट किया, एज अ गिटारिस्ट स्टार्ट किया या आपने सोचा हुआ था मैं सिंगर बनूंगा, मैं, क्योंकि बचपन से लोग होते ना, मैंने तो डॉक्टरी करनी है जी, मैं तो वकील बनूंगा जी, तो आपने अपने माइंड में क्या सोचा था कि आप क्या बनेंगे? मैं एज अ गिटार प्लेयर एंड एज अ सिंगर बोथ. ओके. बिकॉज मैंने गिटार सिंगिंग में करता था, मुझे जो शौक था सिंगिंग का, अब उसके लिए मुझे एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए था कि मेरे साथ एक हारमोनियम होए या कोई गिटार होए, मतलब आपको एक अकॉम्पनीमेंट तो चाहिए होता है. जी बिल्कुल. तो मैंने गिटार को चूज़ किया बिकॉज मुझे गिटार का शौक था. अच्छा. तो मैंने गिटार को चूज़ किया बिकॉज उसके साथ फिर मुझे कंप्लीमेंट मिलती थी, स्ट्रमिंग करता था और गाता था. लेकिन मैं गिटार में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि मैं थोड़ा सा वोकल से हट के गिटार प्लेइंग की तरफ आ गया था. अच्छा. तो उस पर मैंने रियाज ज़्यादा करना शुरू कर दिया. ऑलराइट. टू द पॉइंट कि मैं एक सीरियस प्लेयर बन गया था, प्रोफेशनल लेवल के उस पर मैं आ गया था. और वो टाइम वही था जब वाइल्ड साइंस से रोहिल ने मुझे कहा कि तुम आ जाओ. अच्छा. तो उस वक्त मैं एक पीक पे आया हुआ था अपनी गिटार प्लेइंग में ना. तो मुझे याद है कि मैंने यस किया इमीडिएटली. मैंने कहा यार व्हाई नॉट, बिकॉज मैं इंग्लैंड से वापस आया था, मैं नौकरी ढूंढने आया हुआ था पाकिस्तान में. मैंने कहा यार इससे बेहतर क्या हो सकता है, नौकरी को भाड़ में जाए, जो मुझे पसंद है. तो अल्लाह मियां ने मुझे ऑनेस्ट टू गॉड एक बड़ा रास्ता दिखाया. अच्छा. जिसका मैं लाख लाख शुक्र गुजार हूँ. और मैंने वाइटल साइंस ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने पीछे नहीं देखा. हम लोगों ने वाइटल साइंस का वॉल्यूम 2 किया जिसमें सांवली सलोनी मैंने बजाया, उसमें वो बहुत बड़ा हिट हुआ गाना. वाकई वो आज तक चलता है. और जो न्यू जनरेशन है, अगर मैं अपनी बात भी करूं तो वो गाना ऐसा है कि वो असली से अभी रिलीज हुआ, या फिर अगर वो, अगर उस वक्त की भी बात करें, कुछ गाने ऐसे हो जाते हैं कि उनको आप नहीं भूल पाते नहीं हैं, भूल या सकते. वो लिरिक्स आपको हिट कर जाते हैं, या वो उसकी जो ट्यून होती है, या उसका जो म्यूजिक, उसका जो रिदम होता है ना, वो आप यू कैन नॉट फॉरगेट दैट. ये एवरग्रीन सॉन्ग्स होते हैं. यस. ये हमेशा याद आते हैं, क्लासिक्स कहते हैं इनको. यस. सांवली सलोनी एल्बम रिलीज हुई वॉल्यूम 2 के नाम से ना. और वो बहुत हिट हुई. और ऑब्वियसली फिर मुझे एज ए म्यूजिशियन ज्यादा कॉन्फिडेंस आया मेरे में. एंड फिर उसके बाद हमने, मुझे याद है कि मल्टीनेशनल ने हमें सॉफ्ट ड्रिंक ने स्पॉन्सरशिप दे दी. पाकिस्तान में हम लोग सबसे पहले बैंड थे और सबसे पहले आर्टिस्ट थे जिनको एक मल्टीनेशनल ने स्पॉन्सरशिप दी, जो बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में. अच्छा. और फिर हम लोगों ने ट्रैवलिंग करना शुरू की बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर. जितने ओवरसीज पाकिस्तानीज थे वो, उनको वाइटल साइंस का म्यूजिक का पता लगा एंड दे बिकेम फैंस ऑफ वाइटल साइंस. और सडनली वाइटल साइंस बिजी हो गया और हम लोग टूरिंग पे आ गए. ओके. लाइक 7 से 8, 9 महीने, 10 महीने साल के हम लोग टूरिंग पे होते थे. ओके. यानी कि ट्रैवलिंग डे एंड नाइट, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी कनाडा जा रहे हैं, कभी यूएई जा रहे हैं. ये पर्पस क्या था ट्रैवलिंग का? टूरिंग. हम लोग शोज करते थे, लाइव परफॉर्मेंसेस. अच्छा, ठीक है, ठीक है. हमें उधर प्रमोटर्स होते थे जो बुलाते थे, बिकॉज पाकिस्तानी जिधर भी दुनिया में, जिधर भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो माशाल्लाह पूरी दुनिया में, तो उधर हम जाते थे, पाकिस्तानी कम्युनिटी बुलाती थी हमें और उनके लिए हम शोज करते थे. अच्छा. और वाइटल साइंस फिर एक हाउस होल्ड नेम बन चुका था. ओके. सेकंड एल्बम के बाद
एक नई चीज मुतारिफ करवाई और वो नई चीज लोगों को इतनी पसंद आई कि चर्चे ही चर्चे हो गए। हाँ, अब मैं आपको एक बड़ी मजे की एक अच्छी बात बताऊं इसमें। वाइल्ड साइंस जब मैं कहता हूँ ना कि हाउस होल्ड नेम बन गया था, उसका मेरा मतलब ये है कि गाने हमारे इस किस्म के होते थे कि बेशक वो एक छोटा सा बच्चा होए, एक 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 जवान बच्चा होए, या हमारे पेरेंट्स होए, या हमारे दादा दादी नाना नानी, ऑल एज ग्रुप्स, ओके, वो वाइटल साइंस की सॉन्ग वीडियो या गाने सुन सकते थे इकट्ठे बैठ के। All right. तो लिरिकली म्यूजिकली हमने इस तरह के गाने बनाए, फैमिली फ्रेंडली थे, मतलब कि वो चीजें थी जो हम अक्सर कहते हैं कि साथ में कोई बैठा हुआ है, क्या हो गया। तो वो ये कॉन्सेप्ट नहीं था। तो आई थिंक एक ये भी वजह थी कि वाइटल साइंस के गाने इतने आज तक भी क्यों इतने पसंद किए जाते हैं, बिकॉज मैंने अभी दोबारा रिवाइव शुरू किया है गानों को करना। तो जो मुझे फीडबैक मिल रही है ना, वो मुझे मिलती है मेरे एज ग्रुप के लोगों से, जो मुझे बताते हैं कि वो उनके बच्चे आपकी उम्र के हैं, फॉर एग्जांपल, अब वो उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या उनको बताया है उन्होंने हमारे म्यूज़िक के बारे में, और वो मुझे बताते हैं कमेंट्स में कि मैंने अपनी बेटी को बताया आपके बारे में, मैंने बेटी को बताया हुआ है और वो आपके फैंस हैं। तो एक अच्छी बात है कि जो हमारे एज ग्रुप के हैं, और जब से मैंने ये रिवाइवल शुरू किया है दोबारा गानों का, तो जी, वो जी, जी। गाने दोबारा अब जो है ना सामने आ एक रिक्रिएशन हुई है उसमें, और वो भी जो है वो जबरदस्त तरीके से लोगों को पसंद आ रहे हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जिंदगी का सबसे बड़ा वाकया जिसने आपकी जिंदगी बदली। म्यूजिक ने मेरी जिंदगी म्यूजिक में बदली है। उसका रीजन सिंपली ये कि जब मैं वापस आया था पढ़ के, मैंने सोचा था कि मैंने नौकरी करनी है, वही एक जो होता है एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जब मैंने वाइटल साइंस ज्वाइन किया और मैं एक उस लेवल पे आया, मैंने सारी दुनिया देखी वाइल्ड साइंस के साथ। मैंने अपने म्यूजिक से डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेशनैलिटीज लोगों से मेरी मुलाकात हुई, इंटरेक्शन हुए, उस चीज़ ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है। अगर मैं किसी बात में कोई नैरो माइंडेडनेस थी मेरे में, तो जितना मैंने ट्रैवल किया है, लोगों से मिलके उनसे उनके एक्सपीरियंसेस हासिल किए मैंने, और मुझे ये मेरे में सबसे बड़ा चेंज आया कि मेरी म्यूजिक ने मुझे एक 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 बड़ा न्यूट्रल इंसान बना दिया। और मैं हर इंसान की हर लैंग्वेज, हर रिलीजन, हर म्यूजिक, हर फॉर्म ऑफ आर्ट, सबको मैं रिस्पेक्ट देता हूँ। All right, तो मुझे कितनी अच्छी बात है ये इंसान बनाया है म्यूजिक ने कितनी अच्छी बात है। ऐसा ये ऐसा होना भी चाहिए सर, आप आए हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपसे जो है आपके खूबसूरत जो गाने हिट हुए हैं वो गुनगुनाए ना। तो आपको जो एक सुपर हिट गाना है जो कि बेसिकली मुझे भी टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत पसंद है, और वो है सावली सलोनी महबूबा, वो जो है अगर आप जो है थोड़ा सा गुनगुना दें या गॉसिप पर मैसा की नजर कर दें तो हम बहुत आपके जो है ना शुक्रगुजार होंगे। सावली सलोनी, यस, सांवली सलोनी सी महबूबा, तेरी चूड़ियां षड़ंग करके जाने कैसी आस दिलाए, हाय हाय करे सब लड़के मेरे साथ गाएं। सांवली सलोनी सी महबूबा, तेरी चूड़ियां षड़ंग करके जाने कैसी आस दिलाए, हाय हाय करे सब लड़के। ओह माय गॉड, गूज बम्स, यू नो, इतने मजे का, माशाल्लाह, इतना अच्छा, माशाल्लाह सर, जबरदस्त, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, इतना अच्छा, माशाल्लाह, जो है एक तो सुनी हुई हो ना चीज नाज़रीन, कुछ सुना हुआ हो और वो जो है शख्स आपके सामने बैठे हो और वो आप गा रहे हो लाइव, तो कितना अच्छा एक्सपीरियंस था। और एज यू नो कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, मैं दिल से जो है वो बड़ी इस प्रोग्राम के लिए जो है कह रही थी, विलिंग थी कि प्रोग्राम होना चाहिए देसी टीवी यूएसएडी टीवी एनएन पर, और हमारे नाज़रीन को डेफिनेटली प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा होगा क्योंकि रोमैसा को तो वो रोजाना ही देखते हैं गेस्ट के साथ। आई एम द होस्ट, यू नो, एक बोरिंग पर्सनालिटी ही हूं मैं। होस्टिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग।
Yes, it is. देखिए, अगर आपने जो रेगुलर बेसिस पे होस्टिंग करनी होती है, किसी दिन आपका मूड होता है, किसी दिन नहीं होता, तो वो आपको अपने आप को एक मतलब उस जोन में लेके आना होता है. हाँ ये तो है. नहीं नहीं बिल्कुल आसान काम आपको जो है वो देखने के लिए लोग जो है ना वो राह तक रहे होंगे कि ऐसे कब जो है वो आप आएंगे और कुछ पुरानी जो है वो यादें ताजा. बिल्कुल बिल्कुल सर, देयर इज अ टाइम कि हम लोग ना सोचते क्या है और हो जाता कुछ है. कभी आपने ऐसे सोचा कि मैंने तो ये सोचा था हो गया ये, लेकिन जो हुआ वो बड़ा अच्छा हुआ. हाँ बिल्कुल, बहुत दफ़ा होते हैं. और ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है लाइफ में कि आप इतना प्लान आउट करते हैं लेकिन यूजली वो होता नहीं है. लेकिन जो कुछ होता है, या कभी बुरा भी हो जाता है या कभी बहुत अच्छा हो जाता है. वो आपके एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड हो जाता है. यस. और मेरे साथ ये म्यूज़िक में हुआ है, बिकॉज देखिए मेरा तो फील्ड म्यूज़िक है. और मेरा एक गाना था, मुझे याद है, मैंने एक एज ए सोलो सॉन्ग किया था, तेरी गली आना है, तेरी गली जाना है, तेरे घर के साथ बंगला बनाना है. ये मैंने वाइटल साइंस के बाद, जब मैं वाइटल साइंस से थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ था, तो ये मैंने गाना एक सिंगल बनाया था. अच्छा, ये गाना मैंने बनाया था जब, तो आई डिडंट रियलाइज कि ये गाना जो है ये भी एक गाना सॉर्ट ऑफ एक हिट सॉन्ग बन जाएगा. और मेरा सिर्फ प्लान, ये क्या प्लान था, मेरा प्लान था कि मैंने गाना बनाना है और एक शुगलिया गाना बनाना है, बेसिकली फन फन लविंग सॉन्ग ना. लेकिन वो गाना बना और जब वो रिलीज हुआ, इट वॉज अ सुपर हिट. तो इट वॉज अनप्लान्ड. All right. तो आई वॉज इन एक्सपेक्टिंग इट. आई थिंक जिंदगी में यू शुड नेवर, जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं ना, वो बेहतर होती हैं. एंड यू शुड ऑलवेज वेट फॉर द अनएक्सपेक्टेड. अच्छा सर, व्हाट डू यू थिंक, आर यू अ गुड गिटारिस्ट, और आइदर यू विल प्रेफर कि आप जो है वो सिंगिंग में ही अपने आप को बेहतर समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि आप अच्छा गिटार बजाते हैं या अपने सुर बिखेरते हैं? अच्छा, मैं आपको इसका सच्चा जवाब दूंगा. मैं अपने आप को अच्छा गिटारिस्ट नहीं समझता. आई विल बी ऑनेस्ट, देखें ऑनेस्ट ऑल राइट ओके ऑनेस्ट ओके मैं अपने आप को अच्छा वोकलिस्ट नहीं समझता. उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि फॉर मी इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. मैंने मरते दम तक इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना और सीखना है. अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं एक एक्सपीरियंस्ड गिटार प्लेयर हूँ, तो वो मैं गलत कह रहा हूँ. मैं नहीं हूँ, बिकॉज एवरी डे जब मैं गिटार उठाता हूँ ना, तो मैं कुछ ना कुछ नया सीख रहा होता हूँ उसमें. या मैं वोकल प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं कुछ कुछ ना कुछ नया सीख रहा होता हूँ. तो मैं अपने आप को ये कहूँगा कि मैं रोज़ सीखता हूँ और एक चीज़ को रोज़ एक्सपीरियंस करता हूँ अपने गिटार प्लेइंग में, अपने वोकल्स में. तो हाँ, मेरी कोशिश ये है कि जब तक अल्लाह मियाँ मुझे उठाते नहीं है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं उसको उस लेवल तक कम से कम लेके जाऊँ कि मुझे एक सेटिस्फैक्शन इनर हो जाए कि नहीं यार. अच्छा, इतना जो सारी उम्र रियाज किया ना, जो टाइम लिया है, थोड़ा सा फायदा हुआ है इसका. अच्छा, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ. और ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें बहुत अच्छे लगते हैं आपके गाने, आपकी आवाज. तो हम तो ये समझते हैं कि आप दोनों कामों में बहुत बेस्ट हैं. ठीक है, और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है रैपिड फायर सेगमेंट का, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वी विल स्टार्ट रैपिड फायर सेगमेंट. स्टे विद अस. Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for Humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan. वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं रिज़वानुल हक, द वन एंड ओनली, द ग्रेटेस्ट, द जबरदस्त सिंगर, जो आप भी अक्सर देखते होंगे, अक्सर सुनते होंगे. और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, तो कितना ही अच्छा लग रहा होगा आपको भी और डेफिनेटली मुझे भी. तो यहाँ पर हम लोग रैपिड फायर सेगमेंट स्टार्ट करते हैं. आर यू रेडी फॉर दिस? नो. नहीं नहीं, इट्स वेरी इजी गेम एंड यू नो इट्स अ वेरी, तो हार्ड तो हो ही जाता है, लेकिन आई थिंक आप अच्छा खेलेंगे इसको. क्योंकि मुझे लग रहा है आपका मिजाज ऐसा है ना कि इसको आप जो है ना क्लियर कर लेंगे. सो वी विल स्टार्ट इट. क्या आपने अपनी जिंदगी के गोल्स हासिल कर लिए हैं? पूरे नहीं, सारे नहीं. सारे नहीं, 80%? 60. ऑल राइट, 60 नोटेड.
क्या आपने अपनी जिंदगी के गोल्स हासिल कर लिए? सॉरी रिपीट हो गया। आपके ख्याल में अच्छी जिंदगी गुजारने की टिप क्या है? अच्छी जिंदगी गुजारने की टिप ये है कि आप कोई अनहेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। आप अपनी अपने खाने को देखें, आप जो खाते हैं, आप अपनी एक्सरसाइज करें, आप अपने जो आपका रिलीजन है उसको फॉलो करें, और लोगों को दुख ना पहुंचाएं और अपने आप को भी दुख ना पहुंचाएं। क्या बात है। क्या आपके लिए कभी किसी ने कोई ऐसा काम किया हो कि आप सोचते हो कि इसका एहसान मैं कभी नहीं उतार सकता? ये दोबारा बोले। क्या आपके लिए कभी किसी ने ऐसा कोई काम किया आपके लिए कि आप सोचते हो कि यार उसका एहसान मैं नहीं उतार सकता, या उसने मेरे लिए बड़ा अच्छा, एहसान को भी छोड़ें, उसने मेरे लिए बड़ा अच्छा काम किया? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग हैं मेरे फैंस हैं, मैं कभी भी एहसान आप लोगों का नहीं उतार सकूंगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल सर, जब आप कोई अच्छी चीज करते हैं ना तो वो अप्रिशिएट करते हैं लोग। तो वही इतनी बड़ी बात है मेरे लिए कि आई मीन डेट, मैं तो हमेशा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इट्स मीन यू लव योर फैंस। ऑफ कोर्स। ऑलराइट, बड़ी अच्छी बात होती है कि जब फैंस जो है वो किसी आर्टिस्ट से मोहब्बत करें तो आर्टिस्ट का फैंस की तरफ भी मोहब्बत का हाथ बढ़ाना भी बड़ा जरूरी हो जाता है, वरना फिर फैंस जो है वो दिल टूट जाता है उनका। और बड़े खुश हुए होंगे ये बात सुन के कि हाँ जी, रिजवानुल हक साहब आप लोगों से भी मोहब्बत और प्यार करते हैं। अच्छा, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप सेकेंड चांस देने पर यकीन रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। आपने टीन एज में सबसे क्रिंजिएस्ट काम क्या किया? ईजिएस्ट आपका पसंदीदा वक्त कौन सा है? दिन का मेरा सबसे बेस्ट टाइम होता है डेढ़ पौने दो बजे, जब खाना खाता हूँ मुझे बड़ी मजे की नींद आती है। मैं सोता हूँ, उठता हूँ, सोता हूँ, उठता हूँ, मैं बड़ा खुश रहता हूँ। नैप टाइम होता है, नैप टाइम होता है, लेकिन मैं सोता नहीं, बस उठता हूँ, जागता हूँ, जिंदगी में सबसे अहम बात या चीज क्या सीखी? लोगों को प्यार देना, वही मैंने जो पहले कहा, किसी को हर्ट नहीं करना, और सबके लिए दुआएं करना, सबको देखना खुश, और कोई अगर तकलीफ में और मेरे बस में अगर है, मेरे बस में, मेरी औकात के मुताबिक, मैं उसका हाथ बटा सकूं। क्या बात है, माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसी बात है। ये जो है ना एक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जो हम अक्सर फैंस जो अपने आर्टिस्ट से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला आपको दे और बहुत दे, और गुड विशेस टू यू। आपको अब तक मौसूल होने वाली सबसे अच्छी तारीफ क्या है, किसने की? मुझे याद नहीं रहता, ये आपस की बात है। अच्छा, करते हैं लोग तारीफ करते हैं, और उतने ही ज्यादा मैं अल्लाह मियां से मतलब उनके सामने झुकता हूँ, थैंकफुल होते हैं। क्या बात है, लेकिन होती ना एक ऐसी लाइन जिस तरह हमें ना अक्सर नफरत की लाइंस याद रह जाती हैं, उस बंदे ने मुझे ये कहा था और ये मेरे माइंड में बैठ गया, तो कुछ ऐसा कि उसने मेरी ये तारीफ की थी और मेरे ये दिमाग में बैठ गई, एक लाइन बैठ गई। बहुत ज्यादा है, कोई लाइन कभी ऑफिस की बात। अच्छा ठीक है, दो तीन बता दें। हफ्ते बारे में हमें क्या बताऊँ? नहीं नहीं, वो बताना जो लोगों ने आपको बोला है ना, हम तो डेफिनेटली इसको तस्लीम करेंगे, ऐसी तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, मेरे बेटे मुझे कहते हैं कि डैड यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। ओह ग्रेट, ये मुझे याद है। ओके ओके, यही सबसे अच्छी बात है, इससे बढ़कर और क्या होगा जब औलाद जो है वो सराहती है पेरेंट्स को। बड़े फख्र से मेरी बेटी दोनों मुझे ये कहते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा सुनकर। अच्छा सर, मुझे बताएं कौन सी चीज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है? आप जैसे खूबसूरत लोग जो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं, जो सुनते हैं मुझे, जो एफर्ट करते हैं कि मुझसे सवाल पूछते हैं, ओके, तो उसका जो मेरा तरीका रेसिप्रोक्रेट करने का है वो ये कि ये जो आपने सवाल पूछा, बहुत शुक्रिया आपका। कौन सी चीज ऐसी है जिसके बगैर आप नहीं रह सकते हैं? कोई सी तीन ऐसी चीजें? ऑब्वियसली गिटार प्रैक्टिस मुझे करनी लाजमी है रोज, चाहे मैं बीमार भी हूँ ना तो मुझे बड़ा अजीब सा महसूस होता है, मुझे बाजा मेरे साथ बिस्तर में होगा, मतलब मुझे इतनी आदत है उसकी गिटार अच्छा। की। और दूसरा जो है वो मुझे अपनी एक्सरसाइज बहुत पसंद है। ओके, योगा करते हैं? नहीं, मैं
वो अब तो थोड़ी सी उम्र हो गई है, थोड़ी सी लाइट वेट्स जिमिंग कर लेता हूँ, रनिंग जॉगिंग वॉकिंग, तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं ना करूँ तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी से कुछ चीज मिस आउट हो रही है। ये इतनी मेरे में मतलब एक किस्म के वो जरासीम आ गए। अच्छा, अच्छे जरासीम तो होना चाहिए, एक्सरसाइज में गति होना चाहिए। और तीसरी चीज जो मेरी माँ जो तकरीबन रोज मुझे फोन करती है, वो करती है मुझे, हालांकि मुझे करना चाहिए लेकिन उनका फोन रोज आता है कि तुम ठीक हो, खाना ठीक खा रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हारे दफ्तर में या तुम्हारे घर में कोई मसले तो नहीं है, मुझे बताओ, मुझे डिस्कस किया करो। ये मेरी माँ है, तो वो उनकी अगर मुझे आवाज ना आए ना तो थोड़ा सा मैं परेशान हो जाता हूँ। ओके, बड़ा सेंसिटिव आपने तीन चीजें सिलेक्ट की हैं। ये जो सच्ची चीज है ये तो हर घर में होती है। ऐसा ही है, डेफिनेटली खुल के बात करें। यस यस, आई एग्री विद यू। अच्छा, अगला सवाल ये है रैपिड फायर सेगमेंट का कि ऐसा हिडन टैलेंट या ऐसी हिडन बात जो अब तक आपने ऑन स्क्रीन नहीं कही, जो मेरे अंदर है। आप में डेफिनेटली Hidden talent और any type of, you know, जो आपने कोई बात कही ही नहीं। मेरे में hidden talent ये है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। हाँ, hidden talent है ये। नहीं, you look, देखे, you देखे, look good. देखे, मैं आपको एक बात बताऊं, physically ठीक है, okay. ये तो कुदरती निजाम है, ठीक है ना, I believe in it, ठीक है, कुदरत का निजाम है, physically आप जितनी एज करेंगे आपके physically show होगा, लेकिन दिल और जो मेरी रूह है वही 20 साल 25 साल को मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए। वही, हाँ, वो है। ओके, बड़ी गहरी बात की है आपने, बहुत गहरी बात कर दी आपने। ये मेरा हिडन टैलेंट है। ओके, और ये हिडन टैलेंट जो है मेरा जरूर, हाँ बिल्कुल अभी तो मैं जो ये तो मैं बल्कि आपने ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं अपने ऑडियंस को भी कहना चाहूँगा, व्यूअर्स को, कि जो मेरी एज के हैं वो मेरी जैसे फील करें, कि डोंट फील कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है या आप फिजिकली आप बदल गए, मेरे भी बाल चले गए, आपके बाल चले गए या जो भी है, आप अपना जो आपके अंदर सोल है, जो आपके अंदर रूह है, उसको बस आप जवान रखें और बस। हाँ, अच्छा, अगला सवाल है आपका कि अगर पॉसिबल हो कि आपके ना एक दिन में तीन ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, एक दिन में तीन ख्वाहिशात पूरी, तो वो ऐसी तीन ख्वाहिशात कौन सी होंगी जो आप कहेंगे कि एक दिन में ये पूरी हो जाएंगी? अच्छा, और वो होंगी एक ही दिन के लिए? हाँ, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए होंगी, लेकिन वो होंगी तीन ऐसे काम। कौन सी पहली ख्वाहिश? तो ये होगी कि मेरे बाल वापस आ जाएं। सर, बाल तो नहीं, नहीं, वो लंबे हो जाएं, ठीक है ना, और मैं जवान हो जाऊं। ये वाले मतलब जवानी जवानी, ठीक है ना। दूसरी ये होगी कि मेरे पास जो गिटार्स मैंने सारी उम्र इतने देखे, इतने अच्छे अच्छे गिटार्स जिनको मैं कलेक्ट करना चाहता था, जो मैंने कलेक्ट नहीं कर पाए, वो सडनली आ जाए मेरे पास सारे। ओके, 250-300 गिटार्स आ जाएं। उसके बाद मुझे कम से कम जो है ना 25-30 करोड़ रुपया मिल जाए एक दिन के लिए। अच्छा, ठीक है ना, और उससे मैं एक ही दिन में बड़ा कुछ कर लूंगा। अच्छा, ठीक है, 25-30 करोड़ बड़े कम नहीं है? नहीं, बहुत, मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत है। मैं तो मैं बस सिंपल आदमी हूँ। जितने दिए उस पे हम राजी हैं, हम जो है आम सादे लोग हैं। तो नहीं, बट यू आर टैलेंटेड एंड माशाल्लाह, लाइक आई सेड अर्लियर, कि यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू सो मच, इट्स मींस वेरी अ लॉट। अच्छा, मुझे बताएं कि लास्ट क्वेश्चन है, अब लास्ट क्वेश्चन जो है ना, मैं देख रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए ना जो हमारे नाज़रीन भी जो है ना उनको बड़ा फ़ायदा होना चाहिए इससे, क्योंकि मैं दो तीन जो मैंने क्वेश्चंस हैं वो मैंने छोड़ दिया। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप उस शख्स में क्या चीज़ नोटिस करते हैं? मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ बेसिकली, मुझे जो उसकी बॉडी लैंग्वेज, द वे दैट पर्सन टॉक्स एंड बिहेव्स, मैं वो ऑब्जर्व करता हूँ, और जो मेरा तरीका है रिस्पांस देने का वो एक बहुत फ्रेंडली होता है। बेशक वो अगर मेरे मतलब का शख्स नहीं है फॉर एग्जांपल, या वो उसकी थॉट बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसका माइंडसेट मैच नहीं हो रहा या वाइब मैच नहीं हो रही है, तो बट मैं कोशिश मेरी यही होती है कि मैं उसको समझूं कुछ 5-10 मिनट बात करके, और फिर अपने आप को उसके साथ जेल करो। अच्छा, स्मूथ कन्वर्सेशन के लिए आप खुद को चेंज कर लेते हैं। हाँ, मैं खुद को, व्हाई, बिकॉज़ फिर वो मेरे साथ इजी फील करेगा। ओके,
यार यू आर वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. आई एम वेरी ग्लैड कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं. माशाल्लाह, गॉड ब्लेस यू. अच्छा, बैक टू क्वेश्चंस. आखिरी सवालात हैं. प्रोग्राम का टाइम भी चूंकि कम है और यकीन जाने कि मेरा दिल कर रहा है कि इतने सवाल पूछूं कि ये जो प्रोग्राम है ना हमारा 1 से 1.5 घंटे तक चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. आप भी जो है वो टाइम कमिटमेंट हुई हुई है. अच्छा, जुनेद जमशेद की शख्सियत के बारे में कुछ बताएं और उनसे अलहदगी क्यों हुई और जो वाइटल साइंस का जो एक एक यादगार लम्हा, अलहदगी जुनेद जमशेद एंड वाइटल साइंस. जुनेद जमशेद तो वो ब्यूटिफुल पर्सनैलिटी, ब्यूटिफुल पर्सनैलिटी, वेरी गुड लुकिंग ह्यूमन बींग. एंड जितना वो खूबसूरत इंसान था देखने में, उतना ही उसका दिल उतना ही खूबसूरत था. और हमारी कभी, मैं आपको एक सच बात बताऊँ कि बड़े लोग समझते हैं कि वाइल्ड साइंस को जब मैंने छोड़ा फॉर एग्जाम्पल, या जुनेद अलग हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई. वाइल्ड साइंस ने 4 एल्बम्स बनाई, उसके बाद जुनेद ने हमें बोला कि यार दोस्तों, मैं, एंड आई रिमेम्बर दोस्तों कहता था, भाइयों दोस्तों, कि दोस्तों यार मैं कोशिश कर, मतलब चाहता हूँ कि अब मैं थोड़ा सा ना सोलो की तरफ आऊँ, सोलो करियर की तरफ एज ए सोलो सिंगर. तो हमने उसको इनकरेज किया. ओके, मशवरा हुआ था ये. हाँ, हमने उसको बताया, हमने उसको ये भी बोला कि तुम वाइटल साइंस के जो गाने, अब जब आप अपने सोलो शोज करेंगे तो यू कैन ऑलवेज गो एंड से कि जुनेद जमशेद ऑफ वाइटल साइंस. हमें कोई इतराज नहीं था कभी भी. ठीक है, सो वी हैड दैट काइंड ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग. All right. तो कभी कोई बदमजगी नहीं हुई. अच्छा, there is a misconception here. लोग समझते हैं कि कोई झगड़ा हुआ होगा या फिर कोई ऐसी बात हो गई, कलामी हो गई उस वजह से. नहीं, never, 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 not at all. दूसरा, जुनेद, अच्छा, रुहेल always wanted to be a producer. वो चाहता था कि वो एक बड़ी किस्म की बड़ी प्रोडक्शन करे, कोक स्टूडियो. कोक स्टूडियो रुहेल ने बेसिकली उसका है. ओके, रोहिल ने क्रिएट किया था कोक स्टूडियो. ऑलराइट, तो सबके ना एक एजेंडास बन गए थे कि हमने ये करना है. और ये सिर्फ वाइटल साइंस की मेहरबानी की वजह से. अच्छा. कि हमने वाइटल साइंस में रह के हमने जो शोहरत हासिल की और जो रिकग्निशन हासिल की उसको हम फर्दर एक्सप्लॉइट करना चाहते थे. ओके, हम देखना चाहते थे कि हम वाइटल साइंस की मतलब इस बैकिंग और स्ट्रेंथ से As individuals, क्या कर सकते हैं. और माशाल्लाह सभी ने नाम कमाया, सभी ने तरक्कियां की. शाही ने अपना बहुत आला स्टूडियो बनाया हुआ है कराची में और माशाल्लाह वो काम करता है. उसने ये मल्टीनेशनल्स के साथ काम करता है. रुहेल ने, जिसका मैंने आपको बताया, कोक स्टूडियो में काम किया. जुनेद ने अपना वो बेशक वो जुनेद तबलीग की तरफ गए, लेकिन जुनेद ने व्हेन इट कम्स टू बिजनेस कितना आला उन्होंने जे डॉट एक प्रोडक्ट बनाया जो कितना मकबूल है पूरी दुनिया में एक्चुअली. बिल्कुल. मैं बेसिकली आई वाज ऑलवेज मुझे, जिस आप समझ गए होंगे मुझे, कि मुझे इंटरेक्शन करने का लोगों से बहुत शौक है. यस yes. तो मैं म्यूजिक से हटके एक ऐसी फील्ड में आ गया कि मैंने जिधर मैं सेलिंग करता था और कन्विंसिंग करता था लोगों को. ओके okay. कि आप ये प्रोडक्ट लें और ये वो, एंड आई वाज सक्सेसफुल. ऑलराइट. और वही वाइटल साइंस की हिम्मत की वजह से और उसकी एक मतलब जो नाम हमने बनाया था. जी हाँ. तो ये एक मिसकंसेप्शन है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ. चलें, क्लियर हो गया, शुक्र है. बिल्कुल कोई लड़ाई शड़ाई नहीं थी. अच्छा. और फिर जे देन टर्न्ड आल्सो, मतलब वो और बदल गए जब उन्होंने सोलो अपना करियर खत्म किया, मतलब एक दो एल्बम्स बनाई, फिर वो तबलीग की तरफ आ गए. अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आप आजकल के गानों में, आजकल जो पॉप सिंगर्स आ रहे हैं और आजकल के जो गाने चल रहे हैं, उनकी थीम, उनका म्यूजिक, उनकी ट्यून, उनका एक रिदम जो होता है उसमें, और ज़रा थोड़ा अगर हम पीछे चले जाएं तो उसमें आप क्या एक डिफरेंट देखते हैं जो बड़ा ही एक तब्दीली आ चुकी है आजकल के म्यूजिक में और कुछ टाइम पहले के एरा में? नहीं, बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छा सवाल पूछा. ये जब हमारा ज़माना था 90s में, तो ये म्यूजिक का बड़ा डिपेंड करता है जो मुल्क के हालात होते हैं, जो कंडीशंस में आप रहते हैं ना, बड़ा मैटर करता है. अब हमारे ज़माने में 90s में मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे फॉर एग्जांपल, कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेट अलोन इंटरनेट तो था ही नहीं, सोशल मीडिया कॉन्सेप्ट नहीं था. तो क्या कहते हैं, तो उस दौर के हिसाब से, उस ज़माने के हिसाब से म्यूज़िक हम बनाते थे और जो हमारी सराउंडिंग्स थी वो ज़्यादा इनोसेंट थी आई गेस. हमें इतना एक्सपोजर नहीं मिला हुआ था जितना
आप लोगों को आप मिलते हैं जी जी, तो आपकी जो उम्र के हैं बच्चे जो हैं, आई मीन बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है आप लोगों को सोशल मीडिया से मिलता है तो वैरायटी ऑफ यू नो म्यूजिक एंड दैट टाइप ऑफ एल्बम्स। वो एक किस्म की नेगेटिव बात भी है इन द सेंस के मैं समझता हूँ कि अभी जो हम लोग तो एक किस्म के लिमिटेड थे जो जो था उसी में करते थे, लेकिन ये था कि बहुत फ्री भी थे हम लोग, आज़ादी थी यू नो, हम म्यूजिक बड़ी आज़ादी से बनाते थे और फ्रेम ऑफ माइंड हमारा बड़ा पॉजिटिव होता था। वो प्यार भरे गीत होते थे हमारे जिसमें तभी तो एक नाम है क्लासिक। हाँ वो आई गेस अच्छा टाइम होता था हमारे पास, पीस ऑफ माइंड ज्यादा था हमारे पास। ओके तो गाना कंपोज करना कंपैरेटिवली आजकल गाना अंडर प्रेशर बनता है, तेज़ काम करना जी, पड़ता जी, है जी, हाँ, बिल्कुल सराउंडिंग्स की वजह से, वो हमारे साथ नहीं था। अच्छा हम उधर लकी थे कि हमारे पास टाइम होता था, एक गाने 4-5-6 दिन 7 दिन लगाते थे एक गाने पे निकालने के लिए कंपोज करने के लिए। तो कंपेयर टू जो आजकल का म्यूजिक है वो अब आजकल के म्यूजिक आजकल की कंडीशंस के हिसाब से ठीक है, बिकॉज जो यंग म्यूजिशियंस हैं यंगस्टर्स जो हैं वो जो उनके इर्द गिर्द हो रहे हैं या जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं जी, वो जी, उसी हाँ. को अपने म्यूजिक में लेके आ रहे हैं जी जी बिल्कुल लिरिकली, मतलब जो बोल होते हैं गाने के जिस तरह का वो दौर है जिस तरह के उनकी सराउंडिंग्स हैं तो उस हिसाब से। तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि वो गलत था या वो अच्छा था, ये गलत है या ये अच्छा है। ओके वो था उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। अब जो है सोशल मीडिया आ गया है और जिस जो हिसाब से म्यूजिक अब बन रहा है जो पाकिस्तानी म्यूजिक की हम बात कर रहे हैं और पाकिस्तानी म्यूजिक का ज्यादा अब लिसनर्स को ज्यादा एजुकेट हो गए। हमारे जमाने तो वाइड साइंस ही था ना जी, तो वो एक एक ही स्पेसिफिक लिसनिंग थी, ऑडियंस को सिर्फ एक ही किस्म का मिलता था म्यूजिक। अब ऑडियंस को ज्यादा मतलब रॉक म्यूजिक मिलता है, रैप म्यूजिक मिलता है, हर जॉनर म्यूजिक का मिलता है। ओके आप ये कह रहे हैं कि अपनी जगह पर ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि आजकल जो जनरेशन है जिस हिसाब से जो दौर चल रहा है जो जमाना है उस हिसाब से सिंगिंग जो है वो एक स्मूथ लेवल पर जा रही है। बिल्कुल और पाकिस्तानी म्यूजिक इज डूइंग रियली वेल। एक बस अफसोस ही होता है कि हमारी इंडस्ट्री नहीं है स्ट्रांग, लेकिन जो टैलेंट है ना पाकिस्तानी, माय गॉड एज कंपेयर टू वेस्टर्न टैलेंट या आप इंडिया के साथ कंपेयर कर लें फॉर एग्जांपल, हमारा जो टैलेंट है ना is immense. Yes, yes, definitely. You are right. I agree with you. Thank you so much for coming. Program का time भी बहुत कम है. अब हम इजाजत लेंगे और अपने आप अपने fans को क्या message देना चाहेंगे? मैं अपने fans को ये message देना चाहूँगा कि मुझे बस अच्छी यादों में याद रखें और मुझे encourage करें और मुझे बस मेरे पीछे पड़े रहें कि म्यूजिक करते रहो। यस डेफिनेटली यही जो है ख्वाहिश रखते हैं आपके फैंस भी कि आप जो है देखें अब जो जो आपके नए रिलीज हो रहे हैं गाने वो उतना ही तजस्सुस में है, उतना ही उनको जो है ना क्यूरियोसिटी हो रही है कि अगला गाना कब आएगा वो कब हमारी वाइब के साथ मैच करेगा। सो यस आई एम डेफिनेटली वेटिंग फॉर न्यू सॉन्ग्स ऑफ योर्स और ये है कि प्रोग्राम करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम गया, बहुत कुछ जानने को मिला स्पेशली मुझे भी और आपके फैंस को भी, ऐसे पोशीदा राज भी खुले हैं जो कि आज तक जो है वो एक मिसकंसेप्शन का शिकार रहे हैं लोग उसमें। तो नाज़रीन उम्मीद करती हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी, अपना जो है प्यार हमें दिखाइएगा लाइक करके और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल्स को देसी टीवी यूएसए डी टीवी एनएन और हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म डी टीवी फ्लिक्स भी ज़रूर देखिएगा जहाँ पर आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं 3000 से ज़ायद चैनल्स। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने वतन से प्यार कीजिएगा, हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।